हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही नायाब फार्मूला लेकर के आया हूँ। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो बीच में कहीं पे भी रोकना नहीं है और ना फास्ट भगा करके देखना। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको तरीका समझ में आएगा। यह फार्मूला मेरे पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर को एक सन्यासी ने बतलाया था, जो इसका यह कहना था कि 1985-86 के अंदर, जिसका यह कहना था कि इस फार्मूले से सिर्फ 7 से 21 दिन 21 खुराक के अंदर, यानी 7 हफ्ते से लेकर के 21 हफ्तों के दरमियान में डायबिटीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और पेन क्रियाज वापस से काम करना चालू कर देते हैं। ये फार्मूला वो सन्यासी ने तकरीबन 200 से 300 लोगों को दिया था और सभी के ऊपर कारगर साबित हुआ था। अब ये फार्मूला सभी के लिए आम किया जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये फार्मूला बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको जो चीज़ें लगेंगी, वो सबसे पहली चीज़ है गौरान मुर्गी के अंडे, यानी देशी मुर्गी के अंडे। मुर्गी के अंडे आपको वहीं से लेना है जहाँ पर मुर्गा मौजूद हो। अगर मुर्गा मौजूद नहीं है, सिर्फ मुर्गियाँ हैं, तो वहाँ से आप अंडे नहीं लें। सिर्फ वहीं से अंडे लेना है जहाँ पे मुर्गा मौजूद है। ये आपको 2 अंडे लगेंगे। 2 अंडे के साथ में आपको लगेंगी 10 हरी मिर्च। 10 हरी मिर्च वो वाली लेना है जो आपके एरिया की सबसे ज़्यादा तेज़ मिर्ची है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में ही, हमारे औरंगाबाद में लोंगिया मिर्ची इसे कहा जाता है और ये सबसे तेज़ मानी जाती है। ये 10 हरी मिर्ची आपको गिन के 10 हरी मिर्ची लेना है। 2 देशी अंडे लेना है और 3 ग्राम सिर्फ नमक लेना है। ये 3 ग्राम नमक है, समंदरी नमक जो है, जो हम खाते हैं खाने के अंदर, वही वाला नमक है। अब हमारे को करना ये है कि मिर्ची और नमक दोनों को मिला करके एक साथ पीस लेना है। अभी हमने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इस मिर्ची 10 मिर्ची को नमक डाल के पीस लिया। पिसाने के लिए तो थोड़ा सा पानी डाला गया है, बस थोड़ा सा पानी अगर डालने की ज़रूरत हो तो डाल दीजिए। अब इसके अंदर ये दोनों अंडे हम फोड़ के डाल देंगे। देशी मुर्गी के अंडे थोड़ा सा मुश्किल से फूटते हैं और इसकी पिलक भी बहुत ज़्यादा डार्क रहती है। जो पिलक है डार्क रहेगी, ये इसकी पहचान है। ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने का। अभी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा मिक्स कर लिया है। अब इसको खाने का तरीका ये रहेगा कि आपने दोपहर का खाना खाना है। दोपहर का खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद में, जब शुगर सबसे ज़्यादा हाई रहती है, उस समय में आपने इसको ऐसी के ऐसी कच्चा पिजाना है। ये आपने हर हफ्ते करना है, हफ्ते में एक बार। अगर आप हफ्ते में आपको ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार करिए और लगातार 7 हफ्ते ऐसे करिए कि 7 हफ्ते तक क्या करिए। उसके बाद आप जांच करा करके देख सकते हैं आपकी शुगर में कितना फ़र्क हुआ है। अगर नई शुगर है, प्री डायबिटिक है, आप ज़्यादा डायबिटीज़ नहीं है, तो 7 हफ्ते में ये शुगर नॉर्मल हो जाएगी, कोई दवा गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तो आप इसको 21 हफ्ते तक के कंटिन्यू रखिए, बीच बीच में जांच कराते रहिए। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि ये कारगर फार्मूला है पूरी तरीके से। तो ये बड़ा ही आसान सा एक टोटका बतलाया है, इसे तो हम हमारी ज़बान में बोलेंगे कि टोटका ही है, जिससे आप आपकी डायबिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसको पीने के बाद में आपने आधा घंटे तक के इसके ऊपर कुछ भी नहीं पीना है। आधा घंटे बाद आप जो भी चाहे खा पी सकते हैं, लेकिन इसके पीने के बाद में इसके ऊपर ना पानी पीना है ना दूसरी कोई चीज़ पीना है। भले से थोड़ा सा तेज़ लगे तो आप उसको सहन करिए, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी मत पीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।